तो करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग तंग नहीं हो रहे? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये कुछ कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के गोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, मैं एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है। तेलंगाना का बजट है, 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं एकड़ में 10,000, क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये बात समझ जाओ किसान भाई। अगर जो सब तेलंगाना में जो सुविधा मिल रहा है, सारे सुविधा अगर आप चाहते हो, तो उठाओ गुलाबी झंडा और वार ऐसा करो कि खुद बन जाओ नेता। कोई नेता को देखे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम में से ही नेता निकल आते हैं। ये जो नेता है, बालका सुमन है, कहां बैठा है? बालका सुमन है, ये देखो कितना जवान है, ये कॉलेज में पढ़ रहा लड़का था, मेरे साथ जंग में आया था। कम से कम उम्र में ये पहली बार एमपी बन गया। उसके बाद 30 साल मेरा उम्र था, हाँ, जब इनके 29 साल उम्र था, एमपी बन गया। ये छोटा आदमी थे, विद्यार्थी थे, कहां से बनते हैं? हिम्मत है, ताकत है, लड़ते हैं, ईमानदारी की बात है। तो नेता को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, हम में से ही नेता को निकालना चाहिए। जब तक ये हम नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा कोई मतलब समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। 13-13 महीने भैया, अपमान का भी कोई हद होता है, कोई सीमा होता है। 13-13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया, 750 किसानों का मृत्यु हुआ। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू, क्या समझना चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है किसान, इतना बेकार है, हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी ये इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो।
क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है